सो हे गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका एक कनेदर ब्लॉग में। तो अभी जो है अभी हमें बैंक बियांग में और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। पहले जाएंगे मसाज कराने, उसके बाद से चलेंगे कुछ एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये है अपना होटल, आप देख सकते हो पीछे, और पीछे मेरा रूम था कॉटेजेस, और ये है सारा होटल। इसका नाम है सनसन रिजॉर्ट, 3 स्टार होटल है। इसका जो हम लोग को कॉस्ट पड़ा था तकरीबन $300 पड़ा था 7 नाइट के लिए। तो अभी जो है अभी अपना जो है टुक टुक यहाँ पे आ चुका है, इसी से हम लोग जाएंगे। यहाँ पे केवल टुक टुक ही चलता है, कार वगैरह का सिस्टम नहीं है, या फिर आप बाइक रेंट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो बने रहिए, अगर जो भी मेरे चैनल पर नया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग एडवेंचर का मज़ा ले सकें मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई आप लोग को मैंने पहले भी दिखाया था कि टुक टुक से हम लोग आए थे अपने होटल पे, और अभी भी हम लोग टुक टुक में ही हैं। और ये है कुछ नज़ारा, आप देख सकते हो पीछे का। फाइनली गाइस अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और इनका जो कॉस्ट हुआ था 40,000 हुआ था यहाँ 40,000 की। तो अभी इनको मैंने 1 लाख की दिया है, तो देखते हैं 60,000 वापस करेंगे, उसके बाद से चलेंगे। तो ये है अपना 60,000 वापस हो गया। और अभी जो है अभी चलते हैं मसाज सेंटर पे, क्योंकि मैं जो है किसी भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ का लोकल मसाज ज़रूर ट्राई करता हूँ, चाहे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, और इधर है अपना उथोपिया मसाज सेंटर, और देखते हैं कितना कॉस्ट पड़ता है, क्या प्राइस है, क्या इनका सर्विस है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो अभी जो है यहाँ पे हमको पहनना पड़ेगा स्लीपर, और उसके बाद से चलेंगे। तो पहनते हैं अपना स्लीपर। यहाँ से अपना स्लीपर हो गया रेडी, और चलते हैं मसाज कराने। सो गाइस अपना जो है मसाज कंप्लीट हो गया है। मसाज का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार था एकदम, मतलब इनका जो ट्रेडिशनल मसाज था वही आपको मिलेगा। अपने वहाँ जैसे इंडिया में होता है ना डीप टिशू मसाज, अरोमा थेरेपी, सब कुछ है। यहाँ पे डीप टिशू मसाज नहीं था, बाकी और जितने भी मसाज है सारा कुछ था यहाँ पे। तो अपने वहाँ जो है ऑयल वगैरह का मसाज होता है, ऑयल लगा के बॉडी पे फिर उसके बाद से मसाज होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप जाओगे यहाँ पे आपको कुछ कपड़ा मिलेगा, बड़ा बड़ा सा टी शर्ट और शॉर्ट्स वगैरह, उस पर आपके ऊपर वो लोग पूरा मसाज करेंगे। मतलब ड्राई मसाज होता है, काफ़ी शानदार होता है, एकदम प्रेशर जो होता है काफ़ी हद तक बेटर होता है। तो काफ़ी शानदार लगा है मेरे को, एकदम अच्छा फील हो रहा है अभी मसाज के बाद। यहाँ का लाओस मसाज, तो इसका जो कॉस्ट पड़ा हम लोग को 129,000 पड़ा है। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ रेस्टोरेंट पे कुछ खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि सुबह से अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि जब हम लेट सो के उठे हैं, मतलब 12-1 बजे सो के उठे हैं, उसके बाद से तैयार होते होते 2-2.5 बज गया। खुद भी मैंने ऑर्डर किया था फूड पांडा से, लेकिन फूड जो है डिलीवर नहीं हो पाया, क्योंकि उनके द्वारा कैंसिल हो गया मेरा फूड। यहाँ पे जो है ऑनलाइन फूड काफ़ी यार अजीबोगरीब ऐप है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो अभी जो है अभी चलते हैं रेस्टोरेंट, कुछ फूड वगैरह खाते हैं, और हाना को कुछ मेडिसिन लेना है, यहाँ पे इसका पैर कट गया, तो अभी हम लोग हैं मेडिकल स्टोर पर, फार्मेसी पर। अभी जो है चलते चलते हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, रोड के किनारे ही है। तो आप देख सकते हो है रेस्टोरेंट का नज़ारा। तो अभी चलते हैं कुछ अपना फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना लंच, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 5,
तो अभी लंच हो रहा है भाई, आप देख सकते हो कितना ही मेहनत लगता है भाई घूमने में, टाइम से खाना नहीं मिलता, टाइम से यार सो भी नहीं पाओगे। तो चलिए खाना करते हैं ऑर्डर, खाते हैं और यहाँ का कॉस्ट और आपको फूड दिखाते हैं कैसा फूड है। सो गाइस अभी जो है अपना मैंगो शेक आ गया, आप देख रहे हो भाई कितना बड़ा है, ओ माई गॉड काफ़ी बड़ा है भाई, इतना ह्यूज है कि पीते पीते पेट भर जाएगा मेरा तो, एकदम काफ़ी बड़ा है। तो गाइस अपना जो है फूड आ चुका है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अपना फ्राइड राइस विथ एग एंड वेजिटेबल, और अभी मैंने ऑर्डर किया अपना एक फ्राइड फिश तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आने में थोड़ा टाइम है, और ये है इनका फूड। तो अभी जो है अभी देखते हैं कितनी देर में आ रहा है मेरा फ्राइड फिश और उसको भी आपको दिखाते हैं, काफ़ी टेस्टी है जो फ्राइड राइस है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था थोड़ा स्पाइसी बनाया, काफ़ी टेस्टी है। तो भाई लोग अपना मछली भी आ गया, ये रहा अपना मछली आप देख सकते हो, तो ये है मछली, चावल में ही पेट भर गया भाई, तो मछली पता नहीं कैसे खाएंगे, चावल इतना स्पाइसी इतना टेस्टी है कि इसी से मन भर गया। तो शायद मैं पैक कराऊं और लेके चलूं रूम पे, रूम पे खाएंगे डिनर के टाइम पे। तो चलिए इंजॉय करते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं और बात वगैरह करते हैं यहाँ का पूरा प्राइस वगैरह। सो भाई लोग अपना जो है खाना पीना यहाँ पे हो गया कंप्लीट, टोटल जो कॉस्ट पड़ा हम लोग को 2,21,000 रुपये पड़ा है, मतलब इतना सारा खाना ऑर्डर करने के बाद, मछली भी था, चावल भी था, हॉट डॉग था और उसमें स्प्रिंग रोल था, वाटर था, सेग था, कॉफ़ी था, मतलब समझ रहे हो काफ़ी सस्ता। जो रास्ते से जा ही रहे थे तो हमको मिला है ये मार्केट यहाँ पे, और आप देख सकते हो काफ़ी सेम है, लाइक जब हम वहाँ पे वेंटियान में गए थे नाइट मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे रोड के किनारे ऐसा बना हुआ है, और उस साइड कुछ पार्टी वगैरह चल रहा है, बच्चों का ड्रामा वगैरह कुछ चल रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं इस मार्केट को भी, यहाँ पे बहुत सारा क्लोथ्स वगैरह पड़ा हुआ है जो मतलब जो लो बजट वाले पीपल हैं वो आके यहाँ पे अपना जो है सामान खरीद सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे सेल लगा हुआ है हर एक चीज़ का। तो ये है कुछ यहाँ का इनकम मार्केट, ये दिन में भी ओपन होता है और रात में शायद 10-10:30 बजे के आसपास खुला रहता है। तो गाइज यहाँ पे आप बढ़िया बढ़िया सामान जो है मतलब जूता चप्पल वगैरह अगर लेना चाहते हो तो 50,000-30,000 रुपए का यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप आराम से इजीली जो भी चाहिए इस चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो या काफ़ी अमेजिंग है, मैंने सोचा चलते चलते रास्ते में आपको दिखा दूँ एक झलक यहाँ का भी। तो गाइज अभी मैंने इस मार्केट से डिसाइड किया एक छोटा सा कैरी बैग जो कि डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा यहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो इसका जो प्राइस है मेरे को भाई साहब बता रहे हैं 1,60,000 रुपये, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है भाई, 1,60,000 मतलब इंडिया का बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी देखते हैं, बार्गेन करते हैं, कितना डिस्काउंट करते हैं, अगर अच्छा खासा प्राइस में मिल गया तो इसको ख़रीदेंगे और आपको बताएंगे मैंने कितने में लिया है। तो चलिए ख़रीदते हैं और उसके बाद से आपको बताते हैं हाउ मच। मैं इनको इतना बताने वाला हूँ तो अभी देखता हूँ कितना बता रहे हैं उसके हिसाब से। नो नहीं हो रहा भाई, चलिए चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जारा, आपको बहुत सारे ब्रांड लीफाई, बहुत सारा ब्रांड का जींस वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये सब ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। तो अगर कोई लेना चाहता है सस्ते दामों में तो जाहिर सी बात है आप आइए यहाँ लॉन्ग बैंग बियान और यहाँ पे अपना मार्केट कीजिए, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। तो चलिए ट्राई करते हैं, कुछ प्राइस वगैरह पूछते हैं इसका। सो गाइस मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कराता हूँ इस साइड का एरिया। यहाँ
यहाँ पे जो है शूटिंग वगैरह चल रहा है, बलून पे आप गन लेके शूट कर सकते हो और कुछ आपको इनाम मिलेगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह है, आप यहाँ पे आके अपना गेम खेल के कुछ प्राइज वगैरह जीत सकते हो। जितना बलून आप फोड़ोगे उतना प्राइज यहाँ पे जीतोगे। बहुत सारा चीज यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे खाना को खाना था कैंडी पॉपकॉर्न। ये है कैंडी पॉपकॉर्न, जिसको नहीं पता है मैं आपको दिखा दूँ। तो इसका जो कॉस्ट पड़ा है हम लोग को एक पैकेट का 5,000 यहाँ का चिप। तो अभी जो है अभी मैं आपको इधर का दिखाता हूँ नज़ारा। यहाँ पे बच्चे अपना जो है गेम वगैरह खेल रहे हैं, क्योंकि अभी जो हालवीन का सीजन चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अपना जो है आज का जो टूर है, जो आज का डे है, वो हो गया कंप्लीट। और चलते हैं अब अपने रूम पे। और कैसा लगा आप लोग को ये टूर आज का, मार्केट, फूड, मसाज, मतलब कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना हमें। और जाते जाते मैं आप लोग को एक बार और दिखा दूँ। ये है मार्केट, केवल लोकल से यहाँ पे आते हैं, लोकल के लिए मार्केट लगा हुआ है। जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगा क्लोथ, उनके लिए ये स्पेशली है। तो यहाँ पे कोई भी आके अपना सामान वगैरह खरीद सकता है। तो मैंने भी यहाँ से एक शॉर्ट लिया है, मतलब हाफ पैंट जीन्स का, जो मेरे को कॉस्ट पड़ा है 70,000 की पड़ा है यहाँ का लोकल करेंसी। तो मैं यहाँ पे इंडिया में कन्वर्ट करके लिख दूंगा। तो अभी चलते हैं अपने होटल के तरफ और मिलते हैं आपसे कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि कल कुछ हम लोग का अलग सा प्लान है, मतलब कुछ अलग करने वाले हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ से हम लोग जाएंगे, बहुत सारा केव वगैरह है, लाइक वाटर थिंगी, वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ करने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। अगर लास्ट तक आप देख लिए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।